हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बेबी डायपर बनाना बताएंगे जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान कर देती है। छोटे बच्चों को अक्सर इस चीज़ की ज़रूरत होती है। इसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है क्योंकि बच्चों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये डायपर आप मार्केट से ख़रीद के लाती हैं तो आपका बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। तो अगर आप चाहें तो घर पर इसे बना करके आसानी से बना करके यूज़ कर सकती हैं। आपको बस इस तरह का कॉटन का कपड़ा बनाना होगा और इस तरह का डायपर बनाना होगा, उसी से आपके बच्चे दिन भर आराम से रहेंगे। तो डायपर बनाने के लिए कुर्ती से बचा हुआ कपड़ा हमने लिया है, इसी से हम डायपर बनाएंगे। और ये भी हमने वाइट कलर का जो कपड़ा लिया है, ये भी बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम यूज़ करके इस डायपर को तैयार करेंगे। उसको बनाने के लिए ये हमने लास्टिक भी छोटी छोटी कट कर ली है। इसकी लंबाई हमने रखी है 4 इंच। 2 हमने लास्टिक कट की है क्योंकि दोनों साइड हमें लास्टिक को लगाना है और इसमें चिप्स भी हमें लगाना है। तो इन सब चीज़ों को लगा करके हम डायपर को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कपड़े की हर जगह से लंबाई चौड़ाई की नाप ले लेंगे कि हमें चौड़ाई जितनी चाहिए उतनी है या नहीं। तो देखिए, यहाँ की चौड़ाई 17 इंच के लगभग है, यहाँ की चौड़ाई जो है ये 16 इंच के लगभग है, लेकिन हमें यहाँ की चौड़ाई तो कम करनी है, इसे हम कट करेंगे, लेकिन पीछे वाली चौड़ाई हमें पूरी रखनी है। तो इसकी लंबाई भी देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। देखिए, इसकी लंबाई 20 इंच के लगभग है। ये 8 से 9 महीने तक के या 1 साल तक के बच्चों के लिए भी आप यूज़ कर सकती हैं, अगर बच्चे थोड़ा नॉर्मल हो तो। अगर हेल्दी बच्चे हो तो उनके लिए लंबाई चौड़ाई आपको बढ़ानी होगी। तो पहले हम कपड़े को बीचों बीच इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इस पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम इस कपड़े का सेंटर वाला पार्ट लेंगे। यहाँ हम 3 इंच की चौड़ाई हमें तैयार करनी है, तो हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि डबल करने पर ये 7 इंच आएगा और हमें 6 इंच की चौड़ाई तैयार करनी है। आगे वाले हिस्से में भी हम उतना ही निशान लगाएंगे और इसको एक दूसरे से मिला देंगे इस निशान को। अब यहाँ से हम बिल्कुल सीधा इस तरह से निशान लगा देंगे, यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे, ज़्यादा गोलाई हमें नहीं देना है। तो इस तरह से हम निशान लगा करके इस निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से निशान लगा करके इसी निशान पर हम पहले इसकी कटिंग करेंगे और जो भी इधर उधर निकला हुआ कपड़ा होगा उसे हम कट कर देंगे। देखिए, यहाँ की लंबाई हमने 3 इंच रखी है, वो आप इससे कम भी रख सकती हैं, 2.5 इंच 2 इंच भी रख सकती हैं। और हर जगह की चौड़ाई हमने नाप के आपको दिखा दी है, जिस तरह से हमने चौड़ाई हर जगह की रखी है। तो इसे हम पहले इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये जो निकला हुआ थोड़ा सा पार्ट है, इसे भी हम कट कर देंगे, इस कपड़े को कट करके सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने डायपर के ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। जो भी निकला हुआ कपड़ा होगा उसे हम सीधा कर लेंगे। इसे हम अब खोल के देख लेते हैं कि हमारी कटिंग सही है या नहीं। तो देखिए, हमारी कटिंग बिल्कुल सही है। इस तरह से देखिए, फोल्ड करने पे इसकी लंबाई इतनी आएगी और इस तरह से हमें फोल्ड करके चिपकाना होगा चिप्स से। तो अब इसके नीचे वाले पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। ये भी हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे भी हम बीचों बीच फोल्ड करेंगे और दूसरे वाले कपड़े को इसके ऊपर रख करके हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इस कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे एकदम सही करते हुए। यहाँ से हम कपड़े को रखेंगे और इस साइड का कपड़ा हम निकाल देंगे क्योंकि उधर का कपड़ा की चौड़ाई थोड़ा कम है। तो इसे हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमने सेम उसी की साइज़ से इसकी भी कटिंग कर ली है। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है, सेम वही कटिंग हमें कर लेना है। अब इस कपड़े को खोल के हम देखेंगे दोनों कपड़े को कि कोई भी कपड़ा अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा निकला हुआ हो तो उसे हम कट करके सही कर लेंगे। तो पहले दोनों को एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरह से हम देख लेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया है, हमारा कपड़ा बिल्कुल सही है, कोई भी निकला हुआ नहीं है। अब इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम एक एक सिलाई लगाएंगे, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड हम एक एक सिलाई लगाएंगे और जो हमने लास्टिक कट करके रखी थी उसको भी हम इसी के साथ सिलाई करेंगे। तो पहले हम इसके सेंटर वाले पार्ट में हम निशान लगाएंगे। यहाँ 20 इंच की लंबाई है तो हमने 10 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगा लिया है। अब ये जो लास्टिक है इसका भी हम सेंटर वाला पार्ट निकालेंगे और यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशान को एक दूसरे से मिलाते हुए इस तरह से लास्टिक को हम खींच के देखेंगे कि ये लास्टिक कहाँ तक जा रही है दोनों साइड, और हम ये सिलाई लगाते समय लास्टिक को भी उसी के साथ साथ सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसको इस तरह से सिलाई कर ली है, लास्टिक के भी हमने सेम उसी के साथ सिलाई कर ली है। इस तरह से हमने सिलाई करके इसको तैयार कर लिया है। अब इसकी हम सीधी साइड करेंगे।
तो देखिए हमने डाइपर की सीधी साइड कर ली है। इस तरह से सिलाई के बाद हमारा डाइपर बन गया है। अब पीछे की साइड की हम सिलाई करेंगे यहाँ की। आप चाहें तो पीछे वाले कपड़े को भी सेम उसी तरह से सिलाई करके आप पलट सकती हैं, लेकिन हमने इस तरह से पट्टी कटिंग की है। हम पट्टी को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे और ये हमने 3 इंच की एक इलास्टिक कट की है, इसे भी हम बीच में लगा लेंगे। देखिए 3 इंच की, इसे हम बीच में इसलिए लगाएंगे कि ताकि हमारे बच्चों की कमर की चौड़ाई इससे बनी रहे, कहीं लूज़ और कहीं टाइट ना हो। तो सिलाई करके इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमने पहले इलास्टिक को इस तरह से सिलाई कर ली है पट्टी के साथ। ये सिलाई आप डायरेक्ट बिना पट्टी के भी सिलाई करके अंदर इसे पलट सकती हैं। तो हमने इस तरह से पट्टी ज्वाइंट की है और इसे हम इस तरह से फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। और इस वाले कपड़े को भी हम अंदर की साइड फोल्ड करके इसे भी सिलाई लगा करके इसे फिक्स कर देंगे और इसमें चिप्स लगा करके हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने इस डाइपर को इस तरह से इलास्टिक लगा करके पट्टी को भी पलट के सिलाई लगा ली है और हमने चिप्स लगा करके इस डाइपर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है देखिए, इस तरह से हमने इसे रखा है, यहाँ इस तरह से फोल्ड करेंगे और चिप्स को यहाँ ला करके चिपका देंगे। तो इस तरह से हमारा बेबी डाइपर पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो गया है। अब ये जो बीच में हमने इलास्टिक लगाई थी तो भी इसकी वजह से बीच में जो स्पेस है उसमें हम इस तरह से कपड़े को लगाएंगे तो कपड़ा बीच में रहेगा, हमारा इधर उधर से निकलेगा नहीं और सुसु भी बीच में रहेगी। तो बच्चों को इस तरह से लगा करके पहना देना है। ये कपड़ा आपका लगभग 1 घंटा आराम से चलेगा। आपको इस तरह का 3-4 पीस बना करके रखना होगा ताकि आप हर 1-1 घंटे में कपड़े को चेंज कर दें और इस कपड़े को धुल के डाल देना होगा, सूख जाएगा तो फिर कपड़ा ये फिर से यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने आपको बेबी डाइपर बनाना बता दिया है बिल्कुल आसान तरीके से। इस तरह का आपको कपड़ा बनाना होगा और इस तरह से आपको डाइपर बनाना होगा। इस तरह का आप 2-3 पीस अगर डाइपर बना के रख ले तो आपको मार्केट से डाइपर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आज की हमारी डाइपर की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।